देख लो। हाँ जो आप बोलो वो कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई आज मैं मौजूद हूँ फेस टू के अंदर, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनी है, जो कि काफ़ी पुरानी है यहाँ पे, ये मार्केट है ये, और अब इसको नए तर्ज की तरह बनाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी है ये फूड स्ट्रीट। तो जितना हिस्सा ये तैयार हो चुका है ये हम आपको पूरा कवर करेंगे, जो नहीं भी हुआ उसको भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत पुरसकून माहौल के अंदर बैठ के आप यहाँ पे अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। DHA की तरफ से ये बनाई जा रही है। पहले आपको मैंने कवर करके दी थी बुखारी फूड स्ट्रीट, जो काफ़ी खूबसूरत बनी हुई थी, उसी तरीके से ये बनाई जा रही है। तो मैं तो कहूँगा कि भाई और जगहों को भी इसी तरीके से बनाया जाए, जैसे कि बंसोड है, बहुत सारी फूड स्ट्रीट है, अगर उसको भी यही लुक दिया जाए कराची वालों के लिए तो एक बेहतरीन मौका है। तो चलते हैं इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी है ये स्ट्रीट। तो आ जाए हमारे साथ। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं ये फूड स्ट्रीट पे, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है फूड स्ट्रीट के अंदर और सिटिंग एरिया भी बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं फाइनली ये फूड स्ट्रीट आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी बड़ी और काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट यहाँ पर मौजूद है। तो चलते हैं, लोगों से रिव्यू भी करेंगे कि क्या कहते हैं यहाँ की फूड स्ट्रीट के हवाले से। चलते आए फुल भाई फुल, आप ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लुक दिया हुआ है, आप ये देखें बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मॉल है। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी बहुत है यहाँ पे, आप पुरसकून मॉल के अंदर अपने लंच को, डिनर वगैरह को, जो भी है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। सर क्या कहेंगे फूड स्ट्रीट के हवाले से? बहुत अच्छी है, हम फर्स्ट टाइम आए लेकिन बहुत अच्छी है, अच्छी बनी है। तो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? लोगों को यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। ऐसी फूड स्ट्रीट और जगह भी बननी चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ बननी चाहिए, क्योंकि बननी चाहिए कराची में ऐसा खूबसूरत माहौल बनना चाहिए कि लोग बैठे और अच्छे जगह खाना वगैरह अपना इंजॉय करें। हाँ ऐसी जगह और भी बननी चाहिए कराची, बननी चाहिए ना। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है सर, ठीक। ये फूड स्ट्रीट बनाई गई है बड़ी खूबसूरत, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हुआ, मैंने जाते हुए देखा कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त कोरंगी रोड पे बना है, तो बहुत ज़बरदस्त बना है और चल के देखते हैं। इधर आया तो पता लगा ये तो DHA वालों की तरफ से बना हुआ है, तो खुशी तो है कि बना है, लेकिन अफसोस भी है कि यार ये क्या कोरंगी, लांडी, मलीर, गुलशन, इन इलाकों में इस तरह नहीं बन सकता। बिल्कुल बन सकता, बनाना चाहिए इसको इसी तरह, बनाना चाहिए हर इलाके में ताकि लोग एंजॉय करें, इसी तरीके से बनना चाहिए। जैसे बंसोड काफी खूबसूरत टूरिस्ट उसको है, यूरोप आ चुका है और यूरोप का टच है, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। शक्ति इतनी है कि एक बच्चा अंदर बाइक लेके अंदर आ गया, उसको रोक लिया तो यहाँ पे बाहर निकालना है, ये यहाँ सिक्योरिटी का ताकि यहाँ का माहौल ख़राब ना हो। काफ़ी सारी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अमन भाई क्या कहते हैं फिर, आज आपकी तरफ से डिनर हो जाए हमारा, हैं क्या करा रहे हैं डिनर, बताएं ना हमारे, डिनर में क्या क्या करा रहे हैं आप? जो आप बोलो देख लो। हाँ जो आप बोलो वो कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। अच्छा ये सब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी ज़ेर तामीर है, यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट की भी काफ़ी पुरानी शॉप है, काफ़ी बड़ी शॉप है ये, तो ये सारा इसको लुक दे रहे हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, जैसी कंप्लीट होगी और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। ड्राई फ्रूट की ये शॉप है, देख सकते हैं सारा यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। बाबा ड्राई फ्रूट से ये देख रहे हैं आप, सारा सारा यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ये जूस का भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, काफ़ी मलिक ड्राई। फाइनली आपको मैंने काफ़ी पूरी स्ट्रीट जो है वो मैंने आपको दिखाई है, जो अभी कंप्लीट भी नहीं है वो भी मैंने आपको दिखाया है। ये सामने वाला हिस्सा ये भी अभी कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट जैसी हो जाएगा ये भी आपको दिखाएंगे बाद में। अभी जितनी ये कंप्लीट थी, ये पूरा ये एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है और यहाँ सिटिंग एरिया भी रखा हुआ है, एवन स्नैक और काफ़ी सारे गुलशन स्वीट एंड बेकर भी है यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके खाना अपना इंजॉय कर सकते हैं।
देखिए बहुत ही खूबसूरत माहौल दिया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे आपको ये लेन तारी से आपको यहाँ तमाम ब्रांड के बैंक भी मिल जाएंगे, यानी आपको बैंकिंग की भी कोई वो नहीं है। अच्छा फूड के भी आपको ये यहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएंगे, काफ़ी बड़ा और बड़ी अच्छा माहौल दिया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी लोगों का आना और जाना दोनों हो रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और अच्छा माहौल दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत फूड स्ट्रीट बनाई है। ये देखिए आप ये कितना खूबसूरत, ये सारे बैंक के बाटा की शॉप है, ये भी आपको मिल जाएगी, स्टोर वगैरह है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए तमाम ब्रांड के बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग कराची के किसी फूड स्ट्रीट पर खड़े हुए, शहर के अंदर खड़े हुए, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए भाई, ये मैंने आपको पूरी फूड स्ट्रीट कवर करके दिखाई है, काफ़ी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और काफ़ी रह गई है वो भी मैंने आपको दिखाया। खूबसूरत फूड स्ट्रीट कराची के अंदर और जगह भी बननी चाहिए, सिर्फ कराची की कुछ जगहों पे ये बनी है, जैसे आपने बुखारी फूड स्ट्रीट देखी थी वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, आज ये फेज टू पे भी यहाँ पे बना दी गई है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि और जगह पे भी ये फूड स्ट्रीट बनाई जाए और इसी तरीके से बनाई जाए जो लगती है वाकई में एक खूबसूरत माहौल दे रही है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।